बिहार के पटना में एक छात्र की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि CCTV की मदद से आरोपियों की पहचान कर जल्दी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दरअसल ये पूरा मामला सुल्तानगंज थाना इलाके का है। खबर की माने तो पटना यूनिवर्सिटी के BN कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र हर्ष कुमार पटना लॉ कॉलेज में परीक्षा देने गया था। इस दौरान कुछ लोगों ने गेट के बाहर हर्ष के साथ मारपीट की। मौके पर मौजूद लोगों ने आनन फानन में घायल हर्ष को पटना मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, मगर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हर्ष BN कॉलेज के स्नातक अंतिम वर्ष के छात्र थे। वे मेधावी छात्र होने के साथ साथ राजनीति में भी काफी सक्रिय थे। साथ में लोकनायक युवा परिषद संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। लोकसभा चुनाव में भी वो काफी सक्रिय नजर आ रहे थे, जिसके चलते वो समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से NDA प्रत्याशी शांभवी चौधरी के चुनाव प्रचार में भी जुटे थे। उनके कुछ जानकारों के अनुसार वो 25 मई को ही छठे चरण के मतदान के बाद पटना लौटे थे और पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के आगामी चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी ठोकने वाले थे। हत्या के कारणों को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि हर्ष की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए छात्र राजनीति से जुड़े विरोधियों में जलन की भावना तो थी ही, पर विवाद का एक और कारण पिछले साल दुर्गा पूजा पर डांडिया नाइट्स का आयोजन हो सकता है। दरअसल इस आयोजन के मुख्य कर्ता धर्ता हर्ष थे, जिसके चलते छात्रों के एक गुट से उनका विवाद चल रहा था। ऐसे में पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल उनकी हत्या के विरोध में मंगलवार यानी कि आज पटना विश्वविद्यालय को बंद रखा गया है। हर्षराज की निर्मम हत्या से छात्रों में काफी आक्रोश है। बवाल की आशंका पर पुलिस ने पटना विश्वविद्यालय के आसपास के इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया है। हत्या से इलाके के लोग भी सहम गए हैं। वहीं जब पुलिस ने घटना के वक्त वहां मौजूद लोगों से हत्यारों के बारे में जानने की कोशिश की तो सभी ने कहा कि उनके चेहरे ढके थे और सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि वो किसी को नहीं देख पाए। आरोपियों की बाइक का नंबर तो दूर कोई मॉडल या रंग तक नहीं बता पाया। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर मामले की जांच की है और CCTV फुटेज को कब्जे में लिया है, जिसमें दिख रहा है कि लाठी डंडे लेकर पहुंचे नकाबपोश बदमाशों को देखते ही परिसर में भगदड़ मच गई। हर्ष को जमीन पर पटकने के बाद हमलावर ईंट से उसे कुचल रहे थे। इस वीडियो के जरिए पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। गौरतलब है कि घटना के समय परिसर में 50 से अधिक संख्या में लोग थे, लेकिन हर्ष को कोई बचाने आगे नहीं आया।